हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर, पहला है आतंकवादी खतरों से मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या क्या किया है, एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन किया है। मतलब इस वैश्विक कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है कि जो आतंकवादी खतरे हैं उनसे पूरा विश्व मुकाबला कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमने जैसे कि हम जानते हैं कि कल ही US के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शपथ ग्रहण की है, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उन्होंने कहा है कि वो पुनः पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होंगे। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इससे वो बाहर आ गए थे, लेकिन जैसे उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ और जो बाइडन ने शपथ ग्रहण की, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो क्या करेंगे, फिर से इस पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जलवायु समझौता क्या है, इसमें जो ऐसी गैसें जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसों के जो उत्सर्जन है उस पर ये समझौता हुआ था, जिसमें भारत भी सम्मिलित है। ठीक है, अमेरिका इसमें कुछ समय के लिए बाहर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय में, लेकिन जो बाइडेन ने ये निर्णय लिया है कि फिर से इस पेरिस जलवायु समझौते में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय कैबिनेट ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर को 850 मेगावाट की रेटले पावर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दे दी है। मतलब यहाँ पर एक रेटले पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इसके लिए क्या किया है, भारत की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने क्या किया, उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक MOU साइन किया है, MOU को मंजूरी दे दी है। इसके साथ है ये MOU, ये उज्बेकिस्तान के साथ है। ठीक है, ये भी एशियाई कंट्री है। तो उज्बेकिस्तान को क्या किया है, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अब MOU पर क्या हो गया, उनके साथ साइन हो गया है या मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है कि भारत ने बांग्लादेश, नेपाल समेत 6 देशों को क्या किया है, कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। ठीक है, इन सहयोगी देशों को भारत क्या करेगा, कोरोना वैक्सीन देगा, लेकिन पहले घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। इन घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले क्या होगा, बांग्लादेश को भारत क्या करेगा, कोविशील्ड के 20 लाख डोज मुफ्त देगा, फ्री में देगा 20 लाख डोज। ठीक है, और साथ ही साथ आगामी हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से क्या होगा, COVID-19 के जो टीके हैं उनको सहयोगी देशों को दिया जाएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता क्या होगी, घरेलू चीज़ों की या घरेलू जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये टीके सहयोगी देशों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आप किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो सिंपली पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही हमारे कई करंट अफेयर के वीडियोज़ हैं, उनको भी आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, so thank you for watching.